अस्सलाम वालेकुम ताकतीन उसके चैनल के तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जो नुस्खा आपको दोस्तों बताऊँगा वो उन अहबाब के लिए है जिन्होंने पूरा ज़ोर लगा लिया है लेकिन फिर भी उनके उज़ू में सख्ती नहीं आती, उनको मर्दाना कमज़ोरी दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। उनके लिए मैं नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। लाखों रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों और हकीमों के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इस नुस्खे को सुने, जो सुन रहे हैं वो इस नुस्खे को बेबस लोगों तक पहुंचा दें, यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। सदका जारिया समझकर आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है क्योंकि जो मैं नुस्खा आज बताने लगा हूँ उसको खाने के बाद कोई भी मर्द ये नहीं कहेगा कि वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। बेशक उसकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, कोई भी इस नुस्खे को आसानी से खा सकता है। कभी भी उज़ू का कोई मसला हो, आपने इस नुस्खे को बाकायदा से इस्तेमाल करना है तो कभी भी इंशाल्लाह आपको मर्दाना कमज़ोरी का शिकार नहीं होंगे। कोई लंबी चौड़ी ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा, जल्दी से मैं नुस्खा आपके हवाले करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकती नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको बरवक्त तौर पर मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, तुख़मे दतूरा लेना है। तुख़मे दतूरा से आपने 50 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पर आपने गोंद किकर लेनी है, गोंद किकर आपने 25 ग्राम लेनी है। और आखिरी जो चीज़ आपने लेनी है वो है मिर्च स्याह भी आपने 50 ग्राम लेनी है। अब आपने करना क्या है, तमाम अद्वियात को बारीक सफ़ूह बनाकर उसमें हल्का सा पानी मिलाकर आपने चने बराबर गोली तैयार करनी है, यानी इन तीनों चीज़ों को पीसने के बाद आपने हल्का सा पानी बीच में मिलाना है और इसकी गोली तैयार करनी है। गोली अब आपने खानी कैसे है, इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है वो आप सुन लें। एक गोली सुबह और इसी तरह एक गोली शाम को आपने खानी है। खाना खाने के बाद हमरा दूध के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ज़िकावत हिस जरियान अहतलाम का खात्मा हो जाएगा, मर्दाना कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आप एक मुकम्मल नौजवान मर्द बन जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। ऐसे ही नुस्खे जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।